डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कहते हैं कि जितना छोटा शव होता है उसका बोझ उतना ज्यादा होता है। बोझ गमों का, बोझ छोटी किलकारी के गुम हो जाने का, बोझ बेबसी का, उस नन्ही सी जान को ना बचा पाने का। इस बाइक पर भी ये दर्द का बोझ देखिए। इस बाइक पर एक मासूम का शव नहीं बल्कि मरा पड़ा सफेद चादर में लिपटा ये सिस्टम है। ये तस्वीरें हैं सीतापुर की, जहां एक पिता अपने बेटे के शव को यूं बाइक पर ले जाने को मजबूर हुआ। देखिए कैसे ये पिता अपने कलेजे के टुकड़े को यूं कफन में लपेटे लेकर जा रहा है। मामला सदर जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। तालगांव के रहने वाले छेदी के 9 साल के बेटे अंकुर का एक्सीडेंट हो गया। आनंद फानन में उस मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया। छेदी टूट चुके थे, जैसे तैसे बेटे के शव को ले जाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। इंतजार करने को बोला गया, इंतजार किया लेकिन नहीं मिली एम्बुलेंस। सुनिए। कौन लेके? सौ वाहन खाना भी है। क्या बताया? वो कह रहा 10 मिनट करके के 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, तो जिला अस्पताल के और भी किसी से मिले? इमरजेंसी वाले ने मिलने है। क्या बताया? उन्होंने फोन करने है। फिर क्या बताया? उनको बड़ा 10 मिनट बाद आ रहे, खाना खा रहे। अच्छा, तो अब ये कहाँ कैसे लेके जा रहे हैं? अब मोटरसाइकिल देने ले जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे लेके? चीलघर को। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी का क्या होता रहा है आपको? वो पढ़ा रहा है, 10 मिनट बाद आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यही बता रहा है। और जब वहाँ उसके रूम पर गए तो नशे के हालात में मिला है। क्या कह रहा था? कह रहा था डीएम के पास जाओ, हम नहीं जाएंगे। अब जरा उल जरूल बयान भी सुनिए, कैसे इस करीधरी पर पर्दा डाला जा रहा है। मैंने इसके बारे में इंक्वायरी किया तो पता लगा कि 100 के मतलब मृतक के अटेंडेंट ने 100 वाहन के ड्राइवर को फ़ोन किया, नितेश नाम है उसका। तो उसने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, जो 2:30 बजे की बात है ये शाम की, आज की, तो अभी खाना खा के मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने अपने ड्राइवर को अपने कमरे में बुला के पूछा कि ये क्या पकड़ रहे हैं। उसने बताया कि मैं गाड़ी चलाने को ला रहा था तो मैं चक्कर खा के गिर पड़ा और मुझे चोट लग गई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उठा, अपने कमरे पर चला गया क्योंकि मुझे हालत चक्कर आ रहे थे, तबीयत खराब थी। और इसकी सूचना उसने ना तो हमको दी ना इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर को दिया। वही बात हुई, उसका मोबाइल भी करा था, कोई आदमी उठा ले। सुना आपने, पिता छेदी कहते हैं कि एम्बुलेंस चालक उन्हें नशे में मिला, लेकिन सीएमएस साहब तो कुछ और ही बता रहे हैं। लेकिन हद तो ये है कि एम्बुलेंस न मिलने पर वो शर्मसार कम बल्कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते ज्यादा दिख रहे हैं। जो 100 वाहन को मारसूरी से पोस्टमार्टम हाउस ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, जब हम 100 को पुलिस की सुपुर्दगी में दे देते हैं उसके बाद सारा काम पुलिस वाले करते हैं। पुलिस के किसी भी SI या पुलिस के कांस्टेबल ने या अटेंडेंट ने किसी ने भी हमारे यहाँ किसी भी उच्च अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क साधने की कोशिश नहीं किया। इवन इमरजेंसी में डॉक्टर गंगाधर बैठे थे, उससे भी उसने संपर्क नहीं साधा। अगर उसने संपर्क साधा होता तो निश्चित रूप से मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता। सीएमएस साहब कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। चलिए मान लेते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन आपकी भी तो कुछ इंसानियत होगी साहब, आपका भी तो कुछ फर्ज होगा। वैसे जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मामले में बेशर्मी दिखाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई। डीएम ने चौकी इंचार्ज सिविल लाइन शशांक पांडे समेत 3 पर कार्रवाई की है। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है तो सिपाही और ड्राइवर को सस्पेंड। कार्रवाई भले हुई हो लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर से पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कि क्या तत्पर रहने का ढोल पीटने वाले ये कर्मी इंसान भी हैं या नहीं, क्योंकि कोई संदिग्ध इंसान भी यूं एक मासूम की मौत को तमाशा नहीं बनाएगा, बेटे को खो चुके पिता को दर दर नहीं भगाएगा। सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, UP तक।